अस्सलामुअलैकुम, मैं चाना सार बिलाउंस एंड गुड मॉर्निंग। और आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और बच्चों को नाश्ता बना रही हूँ। कल तो लाइट और तंग किया, लेकिन ये कि गैस अवेलेबल थी बड़ी बात है। फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ मैं। सो हियर इज द लंच रेडी, और ये मैं भी खिला दूँ। और मुझे भी ड्रिंक करना है चिया सीड जो मैंने रखी। आ रहे हैं? अब कहाँ जा रहे हैं? अब तो बहू बने हैं पूरे। आपको ठंडी लगती है? हैं? ठंडी लगती है आपको? चलो अल्लाह हाफिज कर दो मम्मा को। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और नाश्ता बनाते हैं, ऑन करके देखते हैं स्टोव। हम ना कि गैस आ रही कि नहीं, लाइट है नहीं। बाय द वे देयर इज़ नो लाइट अगेन। 7:30 जिसे भी पहले की ना 7:22:23 पे ना लाइट चली गई है। पता नहीं अब क्या इशू हुआ है दोनों, तो इसको ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये। और वाओ, जैसे जैसे लाइट जा रही है ना गैस अवेलेबल होती है, ये बड़ी बात है। कल भी माशाल्लाह पूरा दिन ही गैस रही थी, रात में रोटी भी इसी पे पक गई थी, वरना तो बहुत ही मुश्किल होती है। अब होता है तो मैं जो हूँ ना जल्दी से कर देती हूँ, गैस अवेलेबल है तो हम बना लेते हैं नाश्ता। सो आई एम जस्ट मेकिंग द ब्रेकफास्ट हियर। बर्तन को ख़त्म ही नहीं होता भाई, कितने भी हो जाएंगे। रात के बर्तन भी धो के ऐसे रखे हुए, समेटती हूँ उनको, जगह बनाते हैं। इतने कोई बर्तन है और ये भी नहीं धुला हुआ। अल्लाह, लाइट नहीं थी ना रात में तो ये भी नहीं धुला हुआ। ऐसे ही मैंने मांगा, इसको छोड़ दिया। इसको भी ज़रा साफ़ करना पड़ेगा अभी, फिर चाय बनेगी। सो हेयर इज द ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसमें चाय एंड इसमें आलू गोभी पराठा अगेन आज मैंने फिर बना दिया। करके दिखाओ मम्मा को बड़ी जल्दी से। गंदे काम कर रहे हो, कोई काम भी नहीं कर रहे हो सही से। आज एक चैप्टर इंग्लिश का याद हो गया ना, फिर दूसरा भी ऐसे ही करना। क्या खा रहे हो? बताए। कौन लाया है? पापा। कैसा है बगर? कैसा है? और आप कैसे हो? कोई नहीं, लड़ाका त्यार नहीं हूँ। आपको बेबी अच्छा लगता है? दूसरा बेबी ले हैं? आप तंग करते हो ना, नहीं लड़ाई भी करते हो, आपकी को भी मारते हो, पोटी करके बताते भी नहीं हो। आपको वापिस जमा करा के आएंगे, दूसरा ले नहीं। तो पोटी करके बताओगे? अब क्या होगा ना पोटी करके? सही है, कल हम नया बेबी ले आएंगे।
अच्छा वाला जो पोटी करके बता। पापा बिल्कुल नहीं लाना नया बेबी, यही सही है। लेकर आऊं मैं? नहीं। पोटी करके बताओगे फिर? हाँ मुंह से बोलो ना। बताओगे? चलो ठीक देखता हूँ मैं, अगर नहीं बताया ना मैं सच्ची से एक पारू बेबी ले आऊंगा। आज ही हमारा हीटर खराब हो गया तो मेरा अभी इसके साथ नीना का ये घर है। हम देखते हैं ये बनता है या जलता है। ना रुक जाओ, अभी नहीं, मिट्टी के तेल की जरूरत पड़ेगी बाद में। हाँ। अगर ना बना तो अपने ससुर की तरह मैं इसमें मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूंगा। अगर ये ना बना तो आज इसका भरता बन जाएगा। अभी मैं बुला रही हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर जो कि इसकी एक रॉड खराब हो गई है। बुला जल्दी, देखो क्या बन गया। बाहर आ जाए, सब लोग इसको देखें। मम्मा इसके भी पीछे दिखा दो। बुला जल्दी, मिस्टर खड़े हो जाए। अभी मैं बुलाएंगी बुलाएंगी, मैम ने बोला अभी मैं बुलाऊंगी ना तब आना। बच्चों खड़े हो जाओ, ऐसे बन हो जाओ। ओके बला नदी, बला नदी कश्यपी कश्यपी। राइट सॉन्ग लगाऊं बोला दिया जा। हाँ आपने बोला था घोड़ा भी। हाँ दाना हो गया। जल्दी घर में इंतजार कर रही हूँ, चलता है या क्या होता है इसका। पता नहीं ये चलता है ये नहीं। It's not working. ये तो दोनों नहीं चल रहे। ये तो चल रही है। वो ब्लैक हुई भी है पूरी, वो खराब हो गई भी है। उसको मैंने जोड़ा है। इंडिया जा जा जे ए। ये भी बहुत जल्द खराब होने वाली है। ये भी ब्लैक हो रही है, वो देखे बीच में से ये ब्लैक नहीं हो रही है, उसके अंदर की तार है ना टूट चुकी थी। अब फेल हो गया आप आज। मैंने निकाल के उसको लगाया तो है। बोले फाइनली मैं कामयाब हो गया। इसकी रॉड के अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो मुझे गैस किया कि ये टूटा हुआ था, मुझे लगा कि जिसकी वजह से ऊपर वाली रॉड नहीं चल रही, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो सेकंड वाली रॉड है ये नहीं चल रही थी। इसके अंदर एक पिरोई होती है, स्प्रिंग टाइप की एक रॉड होती है, जैसे हीटर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, हीटर के ऊपर जो होती है, जो लोकल हीटर जिसमें खाना भी आप बना लो, उसके जो राउंड सर्कल यूं ही घूम रहा होता है, उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है पीतल की राउंड, उसके अंदर सिल्वर की है, वो जो है ना अंदर से ब्रेक हुई हुई थी, उसे मैंने निकाल के सेंट्रीफ्यूज उसको जोड़ के मैंने दोबारा लगाया और ये राड वर्किंग में आ गई, वरना ये राड जल रही थी। तो अब मैं कामयाब हो गया, इसको सेट कर लिया। आपका वाटर कूलर आपका, ये वाटर कूलर आपका, ठीक है ओके दैट्स इट। अब ये इसको ऊपर वाले को कम ही जलाएंगे, इसको बराबर कर दिया। कामयाब हो गए हम।